नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 26 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष आज दशमी तिथि है। नक्षत्र आज है अश्लेषा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:34 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहेगी दोपहर 1 बजे तक कर्क राशि में, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का राहु काल यानी अशुभ काल का समय होगा तकरीबन सुबह 9:10 से लेकर सुबह 11:02 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ और नया कार्य ना करने तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि के जातकों, आज के दिन ठीक है, मानसिक चिंताएं कम होगी, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों धन आने का नया अवसर भी आज मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, जैसे कि थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ेगा, किसी बात की चिंता आज आपको सता सकती है, तो आज चिंता ना करें। काम के सिलसिले में थोड़ा सा कमजोर रहेगा, कामकाज को लेकर थोड़ा एक्टिव रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आज संपत्ति की समस्या में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। आज के दिन लाभदायक रहेगा, सभी क्षेत्रों में आपके लिए बेहतर कर पाएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि के आपको अगर आपकी तरक्की हुई आपकी तरक्की से घर के लोग भी प्रसन्न रहेंगे, और जो लोग अविवाहित हैं तो आज विवाह की चर्चा होगी, चर्चा ही नहीं बल्कि विवाह तय भी हो सकता है, और किसी मेहमान की दस्तक होगी। आज संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, और अगर आप कर्ज लिए थे तो वह कर्ज उतारने का योग है आज के दिन, आज उतार सकते हैं। किसी से कोई वादा बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। आज के दिन कोई भी कानूनी मामला अगर है तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्षमता बढ़ेगी, चिंता तनाव थोड़ा सा रहेगा कुछ मामलों में, हालांकि कोई बड़ा टेंशन नहीं है, हालांकि संपत्ति के कार्य में लाभ देंगे, उन्नति के मार्ग बने रहेंगे, संतान की तरक्की मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज सभी आपके कार्य व्यवहार से सभी विवाद सुलझेंगे, नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, हालांकि पारिवारिक टेंशन में थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन सूझबूझ से आप हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। आज के दिन लव रिलेशनशिप की बात करें तो शांति है, मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे को समय दे पाएंगे, अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें और आज एक दूसरे की तारीफ करते हुए दिखेंगे। आज आप कोई दान पुण्य का काम करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके धन के जो सोर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं आज के दिन। और गले का, पेट का, आंख का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्मी दुनिया ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई प्रसिद्धि मिलेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल सकती है, आलस से थोड़ा सा रहेगा, लेकिन दिन की शुरुआत योगा से करें। आज बेवजह झगड़े झमेले से ना पड़े, आज व्यापार सावधानी पूर्वक कीजिएगा तथा बड़ा कोई जोखिम मत उठाइएगा, ज़्यादा उधार मत दीजिएगा। हालांकि कोई मंगल शुभ सूचना आपको मिलेगा, घर परिवार में उत्सव हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है, लोगों के कही सुनी बातों पर मत आइएगा। आज के दिन नौकरी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बेहतर है आज के दिन। अधूरे कार्य बनेंगे, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो दिन बढ़िया है, भविष्य में मुनाफा होने का योग है, स्वास्थ्य भी आज उत्तम रहेगा, धन प्राप्ति के कई अवसर मिलेंगे, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं यहाँ उपलब्धि, पारिवारिक जीवन में भी तरक्की है और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा आज के दिन, और कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है आज के दिन। आज हर काम के लिए उत्तम दिन है, स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है, और जीवन साथी से प्रेम भरा वक्त गुजारेंगे, विद्यार्थी लोग व्यस्त रहेंगे, पढ़ाई पे
ध्यान देंगे, धन की स्थिति में आज सुधार होता हुआ नजर आएगा। समय का सदुपयोग करें, समय को यूं ही आप जाया ना जाने दें आज के दिन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी का सपना आज पूरा होगा। रुका हुआ फंसा हुआ धन आने के भी योग बने हुए हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। लोगों से मुलाकात होगी। बिजनेस में छोटे मोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आज परिवार में कुछ सलाह मशविरा लेना पड़ सकता है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय यानी कि लेंगे तो उत्तम है आज। आत्मविश्वास से बढ़े चढ़े रहेंगे। कर्मचारियों से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा, खासकर जो लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तनख्वाह बढ़ेगी, शांति का वातावरण, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आज दोस्तों से मुलाकात होने के भी योग हैं। वैसे तो आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। प्रॉपर्टी की खरीदारी आज करते हुए नजर आएंगे और कारोबारी हैं तो बढ़ोतरी के साथ सही निर्णय आज करते हुए नजर आएंगे और कारोबार के बढ़ोतरी के साथ सही निर्णय लेकर जीवन में आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। कुछ विशेष व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है जिससे बिजनेस के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा आज के दिन और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं। भौतिक कार्यों से इनकम बढ़ेगा, हेल्थ की स्थिति में सुधार होने के योग है। बच्चों के हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति बंटवारे वगैरह का घर परिवार में विचार होता या बातचीत होता हुआ दिखेगा। लव रिलेशनशिप में है तो आज खुशियों से भरा दिन है, आज लोगों को प्रभावित भी करेंगे। खेल कूद प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति के योग है। कोर्ट कचहरी के पुराने मामलों में निर्णय है तो आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन प्रयास आपको करना चाहिए। नौकरी में सुविधा बढ़ेगी। किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज आपके घर में मुलाकात या फिर आगमन हो सकता है। बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्ति के योग बनेगा आज के दिन और आप में ऊर्जा लेवल आज बढ़ा हुआ है क्योंकि काम को लेकर चिंताएं समाप्त होगी। शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो जोखिम आज मत लीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह फंस सकते हैं। और अविवाहित है तो रिश्ते की बात की जाए तो आज काफ़ी अच्छी रहेगी। जमीन वगैरह खरीदारी करने के लिए भी आज के दिन ठीक है। प्रेम जीवन में है तो तालमेल बना के रखना चाहिए। आज अपने दांत का और पेट का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा नीला कलर, भाग साथ निभाएगा। 89% शुभ भाग्यांक रहेगा आज के दिन 5। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।